हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये ध्यान से देखिए, मेरा जो घर है उसके किनारे पर एक अलमारी रखी हुई है, एक बेड रखा हुआ है, बेड का सिरहाना रखा हुआ है और एक मोटरसाइकिल भी आपको नज़र आएगी। तो छुटपुट सामान है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। अभी वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, मैं आपको सारी बात बताऊंगी कि क्या हो रहा है हमारे घर में और क्या नहीं। मैं तैयार होके आया था, तुम जो के जन्मदिन पे बाल बूल भी रंगे थे करके। इसकी सलवार भी चोरी हुई अम्मी, इसके स्वमीज की देख लो आप, इस कमीज के साथ की चुन्नी, दो चुनिया और इसके सलवार भी गायब है इस सूट की। एक चीज बताऊं, मैं से रोने लग रही हूँ, 3 तारीख से 3 तारीख आ गई जब से रो रही हूँ। और पहले पेंटा ले ले, कोई कोनी चोरी करे, बहुत दुखी दुखी मन सारी सूरा भी है। और ना खाना अच्छा लगता, ना नींद आती, आंखों की नींद गायब हो रही, खाना बचता नहीं है। बोलो आज के टाइम में किस पे विश्वास किया जा रहा है। कभी कभी देखो रो रो के अपना एक दिन काट रही, पहले से बहुत दुखी थी और भी दुखी हो गई। पहले पैसा नहीं है, कंजूसी कर करके कर करके जो मेरे को प्यारे थे भाई दूज पे, मेरा भाई देके गया था, बहन भाई का प्यार होता है। व्यान जब हुआ, जब डाला था आपकी सास ने भी कहा सूट तो बड़ा सुंदर है, ये तो सलवार भी लेगी, इसके पाड़ के रस्सियां बना ली, चुन्नी भी लेगी दोनों इसके। ये एक पैकेट 50 रुपये का है। वैसे नॉर्मली आपको भी पता है 10, 12 या 14 रुपये इतने तक में अच्छे से अच्छी नूडल्स मिल जाती है। मैगी जैसा ब्रांड भी हमें आई थिंक 12-13 रुपये का मिल ही जाता है ये वाला। और ये इतना महंगा क्यों है, ये मैं जानना चाह रही थी। ये देखिए कोरियन मैगी है, पापा जी तो कह रहे हैं कि कोरियन नूडल नहीं है, ये ऐसी कोई देसी नूडल है, उसी पे कोरियन लिख दिया होगा, बट ऐसा नहीं है, कोरियन ही है। तो ये अलग तरीके से बनेगी, इसमें पानी में हम बॉईल करेंगे नूडल्स को, और जब नूडल्स अच्छे से बॉईल हो जाएगी उसके बाद हम पानी निकाल देंगे नूडल्स में से, ताकि सिर्फ बाद में मसाला ऐड करना है। जैसे मैगी में बनाते हैं हम मसाला साथ के साथ ऐड कर देते हैं, वैसे ऐड नहीं करना। यहाँ मैं कैमरा सेट कर रही थी तो नूडल्स मैंने पानी में से निकाल दी थी। अब इसमें 2 पाउच दिए गए हैं, एक है उसके अंदर तो आप देख लीजिए खुद क्या है क्या नहीं है। तो मसाला है देखिए, इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया है, जो कि अभी आपको पता चलेगा। ये वाला है तीखा वाला मसाला, असली तीखा, ये लाल चटनी है जो होती है तीखी वाली लाल चटनी, तो इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये इतनी फेमस है ना ये वाली नूडल, अब बदनाम नूडल है ये वाली, मैं ये कहूँगी नाम नहीं है इस नूडल का, ये बदनाम है, बदनाम है लोगों की हालत ख़राब करने में, क्योंकि ये बहुत बहुत तीखा, इसका जो तीखा लेवल होता है बहुत हाई होता है। और मैं इतना मिर्च मसाला खाती भी नहीं हूँ, मिर्च मैं कम ही खाती हूँ, तो पता नहीं मैं कैसे खाऊँगी, बट मैंने लाइफ में कभी ऐसी नूडल नहीं खाई, तो मेरे को था कि चलो खा के देखेंगे कितनी हाई है। विहान को तो मैं 1 चम्मच भी नहीं दूँगी, वो नहीं खा पाएगा, वरना वो मेरे साथ 1-2 चम्मच तो खा ही लेता था। तो चलिए, पापा जी और मम्मी से भी मैंने नूडल पूछा आप खा लो, तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं तुम ही खाओ। मेरी मम्मी पापा जी को ना नूडल्स पसंद नहीं है, वो मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते, वैसे भी इस उम्र में खाना भी नहीं चाहिए, हम जैसे तो फिर भी खा लें। तो ये मैंने तोड़ी नहीं थी नूडल, ऐसी की ऐसी मैंने परोस दी थी। तो चलो अब खाते हैं और फिर एक्सपीरियंस देखते हैं। नूडल विहान आ गया खाने, विहान बहुत मिर्ची वाली है ये, अल्ट्रा स्पाइसी, ये नहीं खा सकता तुम। नहीं खा पाएगा, मिर्ची है बेटा, इसमें बहुत तेज वाली।
विहान बेटा, मम्मा का मुंह जल रहा है बेटा। रब्बा शुरू किया, खत्म तो करेंगे। पापा जी पानी, पापा जी ये भर के दे दो ना गिलास। ध्यान में नकल उतार रहा है। हाँ पापा जी हंस रहे हैं। मिर्च वैसे ही किस चीज में गिर के खा ले, वही मैं सोच रही हूँ पापा जी। नॉर्मल मैगी में एक चम्मच मिर्च डाल दो लाल। ये तू कह रही है ना कोरिया का, ये कहीं की को नहीं होती, उन्हें कहीं बावे ना कोरियन है, उन लिखने से क्या हो जाए, लैंग्वेज भी कोरियन लिख रखी है। हाँ तो चाइनीज वाले में सारे में चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुए, कहीं में पाकिस्तान की आइटम उर्दू से लिख दे है। ना समझ आवे, ना तेन समझ आवे, ना मैनू आवे, लैंग्वेज लैंग्वेज तो अपने बंदे और कौन सीख सकते। रिहान मेरी नकल उतार रहे हैं। होठ जल रहे हैं मेरे, पापा जी आराम कर रहे हैं, शाम के 5 बज गए हैं। देखिए अब मैं आपको पूरा माजरा बताती हूँ, मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, आराम से थोड़ी देर बैठी रही, लेटी रही, अब ठीक है। तो आप सबको बता देती हूँ कि वो उस बेड अलमारी बेड अलमारी देखिए हमारी नहीं है, वो पड़ोसियों की है। एक्चुअली हमारे नए पड़ोसी आए हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, मोस्टली ये जो घर हैं ये लगा लो 50% लोगों ने, जिन्होंने ये घर लिए हैं वो खुद इन घरों में नहीं रहते हैं, या तो वो लोग लगा के बंद रख छोड़ रखे हैं ये घर, या फिर बेचने के पर्पज से छोड़ रखे हैं कि कल को आगे महंगी होगी प्रॉपर्टी तो बेच देंगे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या फिर क्या कर रखा है लोगों ने कि किराए पे चढ़ा देते हैं, खुद कहीं और रहते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे आसपास हमारे एरिया में किराए पे घर बहुत मिल जाते हैं। तो वो जो आए हुए थे ना, अभी हुआ क्या कि जो बेड आया हुआ था, अलमारी आई हुई थी, वो सब हमारे नए किराएदार थे। और हुआ क्या कि उनको ऊपर का पोर्शन उन्होंने पसंद कर लिया, अब बाद में उनको पता चला कि नीचे के भी कहीं खाली पड़े हैं, तो अभी वो इसलिए सामान उन्होंने ऊपर चढ़ाया नहीं, उनको लग रहा है कि एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 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 मेरा बच्चा खा लो। तो मैं ये खाना है, तो मैं ये कह रही थी कि अभी देखो उनका सामान, या तो वैसे तो मतलब या तो वो ऊपर ही शिफ्ट होएंगे या फिर नीचे शिफ्ट होएंगे, जो होगा वो कर लेंगे जैसे भी होगा। तो एक बात और मैं बता देती हूँ, देखिए आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी, पापा जी भी मजाक में बोल देते हैं मम्मी को, मैंने पिछली वीडियो में भी बोल दिया कि यहाँ तो हमारे यहाँ पे तो चोरी होने लग गई है, तो हम क्या करें, मम्मी पापा ही बोलते हैं काम कर, मेरी मम्मी को मजाक में बोल रहे थे कि तू कहीं और शहर में जाके रहने लग जा। तो आप लोगों ने सच में मुझे लगा कि कहीं सीरियसली ना ले लिया हो कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए अपना घर बार नहीं छोड़ा जाता है, हम सेफ्टी बना के रखेंगे। मैं दो ताले अभी मैंने आपको दिखाए भी नहीं शायद, है ना, दो ताले और खरीदे हैं। पापा जी को बोला था मैंने उस दिन, कल परसों मैंने कहा पापा जी ताले लाते रहना बाजार, मेरा तो चक्कर लगता नहीं। ये वाले देखो ये मजबूत ताले, इसकी चाबी भी हमने गुम कर दी, मिलेगी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना
तब कहीं ना कहीं इधर उधर कर रखी है विहान ने, तो मम्मी को भी दिया ऐसा मजबूत ताला। मैंने कहा दो ताले लगाओ आप। और अभी मेरे को क्या है ना, मैंने मम्मी से ये तक पूछ लिया, एक्चुअली आपको पता है, मैं अपना पीछे का दिखाती हूँ आप सबको। ये जो मेरा पीछे का स्टोर रूम है ना, पता है यहाँ पे मैंने पूरा ये लोहे का काम करवा रखा है, तो मजबूत काम है, मेरे वाले में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा अंदर चलो, मैंने मम्मी वाले में फाइबर शीट लगवा रखी है। मम्मी बोलते हैं फाइबर शीट मतलब कच्चा काम होता है, कोई काट के आ जाए अंदर आ जाए, है ना। तो मैंने मम्मी को ये बोला है कि मम्मी एक तो आप पीछे कोई ऐसी चीज मत रखो कोई कीमती, जैसे अपना दस छुटपुट सामान रख लो जो काम का हो, बाकी जैसे दरवाजा है अंदर वाले कमरों में या कहीं और रखो। और दूसरी चीज मैंने मम्मी को बोला है कि अगर आप बोलोगे मुझे तो मैं फाइबर की शीट हटवाऊंगी नहीं उसके साथ, देखो फ्रेम तो पूरा तैयार ही है, ये लोहे वाली शीट मम्मी के वहां भी लगवा दूंगी। मम्मी बोलते रहने दे, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अब जो लग गया सो लग गया। और दूसरी बात पता है, हमारे तो बहुत लोगों ने यहाँ पे क्या करवा रखा है ना, पीछे लेंटर पड़वा बनवा के बंद ही करवा रखा है। जैसे मैंने तो ये लोहे वाला काम करवाया था आप देख सकते हो, लेकिन लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे पीछे ना ईंटे लगवा के अपना लेंटर लगवाया और पूरा परमानेंट काम करवा के बंद करवा रखा है पीछे का। तो मम्मा मेरे को भी जब दोनों टाइम मम्मी ने बोला था, पापा ने भी, सबने, कि तू भी लेंटर लगवा दे पीछे और इसको बंद करवा दे लेंटर से। लेकिन उस टाइम पता है मैंने क्यों नहीं करवाया था, इसका कारण है, देखो इसका कारण मेन ये है कि देखो अभी इस घर का ना, अभी मेरा 100% पोजेशन अभी थोड़ा सा रहता है ना, तो कोई भी जैसे अब मैं परमानेंट काम इस घर में मैं नहीं करवा सकती हूँ, आप समझ रहे हो। अब ये काम हो गया ईंट पत्थर वाला, तो एक बार जब मैं NOC ले लूंगी इस घर की और मेरा पूरा, मेरे पास अलॉटमेंट लेटर तो है ही, पोजेशन NOC रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद तो चाहे मैं करवा लेती, बट अब नहीं करवाऊंगी मैं, क्योंकि अब ये लोहे वाला जो मैंने करवाया है ना पीछे, मेरे को तो बहुत जच गया है, क्योंकि इसमें ना पीछे से बारिश वारिश की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, अंदर पानी नहीं आता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है और बढ़िया काम लगता है मुझे ये वाला। जो हो गया सो हो गया, मैं और खर्चा इन घरों पे नहीं करूंगी, क्योंकि रहने लायक ये दोनों घर बना चुकी हूँ और बहुत अच्छे से बनाए हैं, आपको भी पता है टाइले वाइले लगा के पूरा रहने लायक घर बना रखे हैं। तो ये बात थी, बस अपनी सेफ्टी के लिए मैं मम्मी और जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी, है ना, घरों की सेफ्टी के लिए बस इतना ही कहती हूँ कि लॉक सिस्टम और मैं नया लगवाऊंगी घर में, और तो क्या कर सकती हूँ मैं। बाकी मैं तो पता है क्या करती हूँ, मान लो मेरे पास पैसे हो ना, अगर मुझे कहीं ऐसा जाना हो कि ताला लगा के, जैसे तो मेरी मम्मी बैठते हैं जैसे इस घर में, मेरे वाले घर में, बाई चांस ऐसा हो कि देखो मम्मी को भी जाना हो, मुझे भी जाना हो, पूरी फैमिली को जाना हो, तो मैं तो क्या करती हूँ, अपना कीमती सामान घर पे छोड़ती नहीं हूँ पीछे, मैं तो अपने साथ ही ले जाती हूँ पर्स में। जैसे कल की बात बताती हूँ, कल मेरे को पापा जी के पैसे देने थे, आपको बताया था मैंने, 15,000 रुपये घर में रखे हुए थे और 4-5,000 मेरे खुद के भी थे, तो 20,000 रुपये मेरे पास पड़े थे। तो मैं गई थी कल विहान के जन्मदिन पर, तो हम 3-4 घंटे आउट ऑफ स्टेशन मतलब घर थे, तो मैं पैसे सारे अपने पर्स में ले गई, हाँ मेरा बच्चा, अपने पर्स में अपने साथ ही ले गई पैसे, आके वापस रख दिए, तो मैं घर पे छोड़ती नहीं हूँ कैश, अगर मेरे पास है भी तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि यार ऐसे रिस्क, और इवन जैसे मेरे पास जाता तो गोल्ड का कुछ है नहीं, एक आधी चीज है जो आपके सामने दिखा रखी है, वो भी मैं अपने साथ ले जाती हूँ, कहीं जाना हो, कहीं बाहर जा रही हूँ, मान लो मेरे को शहर दूसरे शहर जाना है कुछ दिनों के लिए, तो मैं पहन के चली जाती हूँ, बट मैं घर पे कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, गोल्ड भी नहीं छोड़ती, कैश भी नहीं छोड़ती, हाँ सामान कपड़े वो भी बहुत कीमती होते हैं, वो भी पैसों में खरीदी हुई चीजें होती हैं, कि चीज पे 1,000-1,000 की साड़ियां आती है, 1,500 की, 2,000 की, 10-10,000 के लहंगे हैं मेरे पास, तो चोरी करने वाला तो क्या नहीं चुरा सकता घर में, लेकिन फिर भी अपना गोल्ड और कैश मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना खूबसूरत ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।